के दौरान कर्नाटक की एक सभा में श्री राहुल गांधी जी ने भाषण देते हुए कहा कि सारे मोदी चोर हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया, फिर कहा कि सारे मोदी चोर हैं। भागलपुर की सभा में भाषण देकर नीचे उतरा तो लोग मजाक कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं, तो मुझे लगा कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है और सारे मोदियों को चोर कहा जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी को ही नहीं, सारे मोदियों को, तो इसलिए मैंने फिर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पे पटना के सिविल कोर्ट में सुशील कुमार मोदी पहुंचे थे, जहां पे बताया जा रहा है कि कर्नाटक में हुए 2019 में एक मामले को लेकर यहाँ पे मुकदमे में उनकी गवाही होनी थी, जिसमें वो यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने साफ तौर पर अपने अंतिम चरण की गवाही यहाँ दी है। उसी मामले को लेकर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कर्नाटक में वर्ष 2019 में एक वहां पे कांग्रेस की आम सभा संबोधित की गई थी, जिसमें कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा एक विशेष टिप्पणी किया गया था, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि जितने भी दुनिया में जितने भी सारे मोदी हैं वो चोर हैं। इस मामले को लेकर सुशील कुमार मोदी पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने अपनी अंतिम गवाही यहाँ पे दी है। हालांकि इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी, आइए पहले वो सुनवाते हैं। के दौरान कर्नाटक की एक सभा में श्री राहुल गांधी जी ने भाषण देते हुए कहा कि सारे मोदी चोर हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया, फिर कहा कि सारे मोदी चोर हैं, क्योंकि मेरा भी सरनेम मोदी है और पूरे बिहार में लोग मुझे मोदी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो मैं बहुत अपमानित महसूस किया, मैंने मुझे बहुत खराब लग रहा था और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए मैंने एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में आज ये मेरी गवाही थी और इस मुकदमे में, इस मामले में राहुल गांधी एक बार यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने बेल लिया था, वो अभी बेल पर है, तो राहुल गांधी पर जो मानहानि का मैंने मुकदमा दायर किया था आज उसी का और मेरी गवाही थी, तो उनके वकील ने लगभग 45 मिनट तक मुझसे अनेक सवाल पूछे और मैंने यही कहा कि उस दिन जब मैं भाषण सुन रहा था और सुनकर मैं जब कार्यालय गया, बीजेपी कार्यालय गया, तो लोग चर्चा कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं, अब तो राहुल गांधी ने कह दिया। जब मैं अगले दिन भागलपुर गया, भागलपुर की सभा में भाषण देकर नीचे उतरा तो लोग मजाक कर रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं, तो मुझे लगा कि मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है और सारे मोदियों को चोर कहा जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी को ही नहीं, सारे मोदियों को, तो इसलिए मैंने फिर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। मेरे वकील एसडी संजय जी यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग जो हैं, तो आज राहुल गांधी के वकील के द्वारा जीरत ही हमारी उन्होंने गवाही ली और मैंने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या लगा? जाहिर सी बात है, जिस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे थे, वहां पे एमपीएमएल कोर्ट में उन्होंने अपनी गवाही दी है, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ऐसे किसी भी तरह के जो जाति सूचक वाक्य हैं वो उसका प्रयोग करना, इस तरह की टिप्पणियों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं सरासर गलत है और राहुल गांधी को एक बार यहाँ पे पटना के सिविल कोर्ट में आना पड़ा है, अब दूसरी बार भी कहीं ना कहीं कोर्ट उनको आकर अपनी बातों को सामने रखना पड़ेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर अब आगे की कार्रवाई जारी है, के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।